तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड क्लास 12th केमिस्ट्री का। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने यहाँ संडे स्पेशल क्लास में हम दे रहे हैं आप सभी को प्रैक्टिकल का सेशन, जिसमें आप हूबहू जैसे क्लास कह सकते हो प्रैक्टिकल क्लास में आप जाकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी तरीके से हम आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सिखाते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं बेटा। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रीवियस सेशन में मैंने ऑक्जेलिक एसिड के हेल्प से, ऑक्जेलिक एसिड की सांद्रता वाले विलयन की हेल्प से हमने KMnO4 का कह सकते हो मोलरता और उसकी शक्ति का क्या किया था बेटा, मेजरमेंट अनुमापन किया था। आज इसी कार्यक्रम में, इसी का कह सकते हो सीरीज में, हम दूसरा एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन का आप सभी के बीच लेकर के आए हैं, जिसमें हम मोहर सॉल्ट की हेल्प से ज्ञात करने वाले हैं KMnO4 के विलयन की मोलरता और साथ ही साथ उसके शक्ति के बारे में बोले तो स्ट्रेंथ ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे आज का उद्देश्य क्या है। तो आज का जैसा उद्देश्य आप सभी को मेंशन है कि हमें MY20 सांद्रता वाला मोहर सॉल्ट विलयन की हेल्प से KMnO4 के विलयन की मोलरता और शक्ति को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए जो हमें विलयन बनाना है मोहर सॉल्ट का, वो विलयन बनाना है 250 ml का। ये सारी चीजें आपको पेपर में दी जाएंगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि मोहर लवण होता क्या है। मोहर लवण का अगर मैं बात करूं रासायनिक फार्मूला क्या है, तो इसका रासायनिक फार्मूला होता है FeSO4 NH4 taken twice SO4 .6H2O, जिसको हम फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर लवण के नाम से जानते हैं। अगर इसके मोलर द्रव्यमान पे बात करें तो इसका मोलर द्रव्यमान 392 ग्राम पर मोल होता है। और साथ ही साथ इसके साथ जो हम यूज कर रहे हैं विलयन, जो कि है KMnO4, जैसा कि आप सभी को पता है जो टाइट्रेशन एक ऐसी फेनोमिना है जिसमें एक नॉन विलयन मतलब एक ऐसा विलयन होता है जिसकी सांद्रता आपको पता होती है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं अननोन विलयन की मोलरता को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, यहां पे हम KMnO4 का यूज करेंगे और KMnO4 का जो मोलर द्रव्यमान है 198 ग्राम पर मोल है। आगे की चर्चाओं को हम आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले बात आती है कि हमें कितनी मात्रा में फेरस अमोनियम सल्फेट लेना है, बोले तो मोहर सॉल्ट लेना है, जिससे MY20 की सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होगा। तो इसके लिए बेटा यहां पे कैलकुलेशन का फार्मूला आप सभी को पता है और हमें वेट लेना है मोहर सॉल्ट का 4.9 ग्राम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम लैब में पहुंचेंगे, मोहर सॉल्ट है जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, आज ही मैं मार्केट से लेकर के आया हूं, इसका फार्मूला है FeSO4, ठीक है ना, FeSO4 और साथ ही अमोनियम सल्फेट NH4 taken twice SO4 .6H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम आयरन सल्फेट के नाम से या हेक्साहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। और इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इसको, हम सबसे पहले क्या करेंगे बैलेंस पे ले जाकर के 4. ग्राम क्या कर देंगे, मेजर कर लेंगे। हमने मेजरमेंट करने के बाद आज ऑलरेडी तैयार करके रखा है फेरस अमोनियम सल्फेट का स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये आपके पास मेजरिंग फ्लास्क होगा, इसमें सबसे पहले आप क्या कर डालोगे 4.9 ग्राम फेरस अमोनियम सॉल्ट डाल दोगे। और उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, उसके बाद आप सभी को क्या करना है, इसमें डालना है डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें इसमें डालना है H2SO4 को। अब H2SO4 जब डाल दोगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, अदरवाइज ऑक्सीडाइज होकर के जो अभी आपको कलरलेस दिख रहा है, कुछ समय बाद ये कैसा दिखने लगेगा, पीला दिखा मतलब खराब हो गया। खराब ना हो इसके लिए H2SO4 डाइल्यूटेड फॉर्म में इसमें एक टेस्ट ट्यूब क्या करना है बेटा, डालना है, जो कि ऑलरेडी मैंने डाल करके रखा है। अब बात आती है कि सर टाइट्रेशन कैसे करेंगे। तो आप सभी को पता है टाइट्रेशन करने की फेनोमिना में हम ब्यूरेट का यूज करते हैं और ब्यूरेट में डालते हैं क्या, ब्यूरेट में रखा होगा KMnO4, जिसकी मोलरता और हमें क्या करना है उसकी स्ट्रेंथ को पता करना है उस, और हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क में मेरे पास क्या है, मोहर सॉल्ट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मोहर सॉल्ट के सॉल्यूशन को ओपन करेंगे और ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास दिया गया है कोनिकल फ्लास्क, और इस कोनिकल फ्लास्क के थ्रू हम क्या करेंगे बेटा, टाइट्रेशन की फेनोमिना को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइट्रेशन की फेनोमिना को कैसे बढ़ाएंगे, एक मिनट मैं बताता हूं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, इस कोनिकल फ्लास्क को रिंस करना पड़ेगा, वाश करना पड़ेगा डिस्टिल्ड वाटर से, तो मैंने वो कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कार्यक्रम को आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीपेट उठाएंगे और पीपेट के थ्रू क्या करेंगे, इससे हम देखो ये हमारा जो पीपेट है हमारे पास 10 ml का है, तो 10 ml सोल्यूशन जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है फेरस अमोनियम सल्फेट का, वो निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें डालेंगे, देखो हमने 10 ml इसका ले लिया, और हमें क्या करना है बेटा, कोनिकल फ्लास्क में डालना है।
तो ये कोनकल फ्लास्क में डाल देना है 10 ml। कुछ नहीं करना है, एकदम बहुत आसान सा प्रोसेस जैसा मैंने ऑक्जेलिक एसिड के साथ किया था वही कार्यक्रम इसके साथ भी करना है, ठीक है। अब जब आप इसको करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्यूरेट को रिंस करके यूज करना है। हमने रिंस करने के प्रोसेस आपको बताया था, सबसे पहले वाटर से रिंस करेंगे, उसके बाद KMnO4 से रिंस करेंगे। अब नॉजल को क्या करेंगे, बहुत धीरे धीरे नॉजल को ओपन करना शुरू करेंगे। और जब नोजल को ओपन करना शुरू करेंगे बेटा, तो नोजल को ओपन करते ही आप देखेंगे इसको धीरे धीरे हमें रिंस भी करना है, और रिंस करने के बाद आप जैसा देख पा रहे होंगे ये कलरलेस होता जाएगा। बहुत केयरफुली हमें ये टाइटेशन को आगे प्रोसीड करते रहना है, और तब तक करते रहना है जब तक इसका पिंक कलर कन्वर्ट ना हो जाए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये कलर आपका क्या हो जाएगा बेटा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और हम करते हैं तो करने के बाद ये क्या हो जाएगा, रिंस कलर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ये मेरा एंड पॉइंट आएगा, ये हमारा एंड पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 3 के आसपास। तो ये पहली मेरी रीडिंग हो जाएगी 3 पे, ठीक है। इसी तरीके से इस अनुमापन के क्रम को 3 बार आगे बढ़ाने हैं। टोटल कितने बार बेटा, 3 बार हमें आगे बढ़ाने हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अनुमापन के क्रम में ये मैंने श्रेणी बना करके रखी है। प्रत्येक अनुमापन के लिए फेरस अमोनियम सल्फेट कितना लेंगे, हम 3 बार इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हम कितना ml ले रहे हैं बेटा, फेरस अमोनियम सल्फेट 10 ml। तो 10 ml करने पर इनिशियल ब्यूरेट की रीडिंग कितनी आई थी, 0 ml, क्योंकि मैंने इसको शुरुआत कहां से किया था, 0 ml से। और उसके बाद अंतिम रीडिंग हमारी कहां पे जा रही बेटा, 3 ml पे। कितने पे जा रही बेटा, 3 ml पे। प्रयुक्त हुआ कितना बेटा, वाई एक्स में से वाई माइनस कर देना, तो ये देखो ये कितना ml प्रयुक्त हो जाएगा बेटा, 3 ml प्रयुक्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी रीडिंग में फिर से आप क्या करेंगे, दूसरी रीडिंग में आपको बेटा फिर से क्या करना है, इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में पिपेट के थ्रू फिर से क्या निकालना है, पिपेट के थ्रू आपको फिर से पिपेट के थ्रू क्या निकालना है, इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को निकालना है। फिर से KMnO4 से क्या करना है आपको, कोनिकल फ्लास्क में डालना है, फिर टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। इसी तरीके से 3 बार आपको रीडिंग लेनी है। जब 3 रीडिंग आ जाएगी तो आप देखेंगे उसमें से 2 रीडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए जो लगभग एक दूसरे से मैच करे, उसी रीडिंग को हमें कंसीडर कर लेना है। तो बोले तो जैसे मान लो पहली रीडिंग में मेरे पास कितना आया, 3 ml, मान लेते हैं दूसरी रीडिंग को लेकर के चलेंगे, फिर से हमारे पास क्या आया बेटा, 3 ml आ गया। तो जब 2 रीडिंग एक साथ आ जाएंगी तो इसी को हम मान लेंगे KMnO4 का क्या है बेटा, ये KMnO4 का क्या हो गया, वैल्यूम मैंने कितना लेकर के चला है बेटा, 3 ml लेकर के चला है। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका वैल्यूम B1 मान लेंगे और KMnO4 का वैल्यूम को हम क्या मान लेंगे बेटा, B2 मान लेंगे। अब इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे जब प्रोसीड करेंगे तो बात आती है कैलकुलेशन कैसे करना है। तो कैलकुलेशन का तरीका होता है, आपको फार्मूला मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, N1 M1 B1 N2 M2 और क्या होता है B2। अब देखो N1 ये किसके लिए है बेटा, ये यूज किया गया है मोहर सॉल्ट के लिए, ये मोहर लवर के लिए यूज किया गया है। और साथ ही साथ बात करें तो इसका यूज किया गया है बेटा KMnO4 के विलयन के लिए। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो जब इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहां पे N2 की वैल्यू 5 आएगी और इसके लिए N1 की वैल्यू 1 आएगी। M1 आप जानते हो मोहर सॉल्ट के लिए मैंने कितना लिया था, M1 लिया था 1/20, और V1 हमने कितना लिया था बेटा, 10 ml। अब ये M2 को हमें कैलकुलेट करना है बेटा, तो M2 निकालना ही है, और B2 आप कितना लेकर के चलोगे, 3 ml। और जब 3 ml लेकर के चलोगे तो कैलकुलेशन के बाद आपको मोलरिटी मिल जाएगी। तो 1/20 इंटू में क्या करोगे बेटा, 10 = 5 इंटू में m इंटू में क्या करोगे बेटा, 3। तो इसको 20 करोगे तो ये 2 आ जाएगा बेटा। अगर 2 आ जाएगा तो इसको सॉल्व अगर हम करते हैं, m कैलकुलेट करते हैं, तो m = क्या हो जाएगा, m = आप जानते हो ये हो जाएगा 5 इंटू में क्या बेटा, ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास है 1/20, 1/2 ये आ जाएगा, 1/2 = 5 m, 5 × 3 करोगे 15 m आ जाएगा, और 15 m अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 = 30, अगर 1/30 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा, ये आपके पास जो कैलकुलेशन आएगी 0.0033 आना शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, मोलरिटी। अब यहाँ पे आपको जब मोलरिटी का फार्मूला आपको मिल गया तो शक्ति निकालना आसान है, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी इंटू मोलर मास। तो आपको क्या करना है, इस मोलरिटी के सिंबल को मोलर मास से क्या कर देना, KMnO4 के मल्टीप्लाई, और इस तरीके से आपको स्ट्रेंथ और मोलरिटी दोनों प्राप्त हो जाएंगी बेटा। थैंक यू, आज की वीडियो यहीं पे, अगली चर्चा में कुछ नया करने के लिए हम लेकर के आएंगे, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए। संडे के सेशन में जुड़ना मत भूलिए। थैंक यू।